50 साल सरकार बदलने वाली नहीं है, ये चीज अपने दिमाग में रख लीजिए। 50 साल सरकार रहना है, आप लोग सरकार के हिसाब से काम करिए, ऊट पटांग चीज मत दिखाइए, गलत चीज। डिसिप्लिन आप लोग ने क्रॉस कर दिया ना, कर रहे आपको विधानसभा में। अरे पत्रकार छोड़िए, एक दिन पब्लिक पीटी जाएगी, सब पीटे जाएंगे, कोई बचा नहीं है। मायावती जी के शासन में इसी दैनिक जागरण चौराहे पर पूरी ओवी वैन फूंक दी गई थी, ठीक है। अभिषेक उपाध्याय नाम के एक पत्रकार को लखनऊ छोड़ के जाना पड़ा था, आज ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अगर कहीं पर आप ये बताइए, जनता की आवाज उठाना कोई गलत काम है? माननीय विपक्ष के नेताओं का ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों की आवाज उठाएं, आवाज बुलंदी से उठाएं। तो आपको पहले कहा, जो इनके साथ चले वो देशभक्त और जो इनके साथ ना चले वो देश का गद्दार। इनकी तो पॉलिसी यही है कि जो हमारे फेवर में बोलेगा, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई विपक्ष हो, चाहे वो मीडिया हो, कोई भी हो, अगर इनके पक्ष में नहीं बोलेगा तो वो देशद्रोही है, नहीं तो देश प्रेमी है। जिसके अकॉर्डिंग हमें एग्जाम नहीं देना था, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा फाइनल सिलेक्शन में नाम ही नहीं आया, हम राजनाथ जी के भी पास गए थे। स्किल नहीं हुआ। अग्निवीर वाले धरने में गए होंगे, खुद मान आवाज तो नहीं उठाया, अपने हक के लिए बोलोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। हम तो बोल रहे, आप धरने में गए थे बोल रहे हैं, तो कोई साक्ष्य हो भाई, अगर कोई साक्ष्य हो हम धरने में। क्या भारत है, लोकतंत्र में नया भारत दिया आपने, आप कहते हैं रे रामराज है, रामराज में आप पीटते हैं मीडिया को, ये रामराज नहीं रावण राज है। आपकी गुंडागर्दी सिर्फ समय समय के लिए है, जितने समय तक आपका कार्यकाल बचा हुआ है, चाहे वो विधानसभा का हो, अभी भी 5 साल में साल ही भर हुआ है, और 24 में आप देखिएगा दिल्ली में आप अगर दरकिनार न किया जाए तो मुझसे कहिएगा। आप रहे हैं कि शाम को दिखाने से पहले जितना हमारे विपक्ष में दिखा रहे हो, हमारे विरोध में दिखा रहे हो, उसको डिलीट मार देना, नहीं तो तुम्हारे घर में भी बुलडोजर ही चलेगा। अभी बुलडोजर चला तो बाबा बुलडोजर, जब हत्या हो गई तो बाबू बुलडोजर हो गई। सपा सरकार थी तो धरना देने वालों के ऊपर लाठी नहीं चलती थी, लाठी नहीं चलती थी, तो अब जब बीजेपी में चल रही थी, क्या दिक्कत है भाई? वो तो शासन को टाइट करना पड़ेगा। अलग है, अब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से, ये कह रहे 50 साल और 100 साल की बात करते हैं। मेरे बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं, कोई यादव जी मेरे मित्र हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, अगर झूठ तो ना बोले, कम से कम नए भारत की कल्पना दिखाते हैं, नए भारत का सपना दिखाते हैं और गुंडाई करते हैं। आप छात्रों को नौकरियां नहीं देते, छात्रों को आप पीटते हैं, आपने रोजगार छीना, आपने शिक्षा छीनी, आपने स्वास्थ्य छीना, आपने सुरक्षा छीनी 10 साल में। तो कहूँ मैं विधानसभा के स्तर पर बात कर रहा हूँ और दिल्ली स्तर पर बात कर रहा हूँ, उनको 9 साल इनको 6 साल सिर्फ मारा या पीटा या छीना है, लूटा है, हमें 5 किलो चावल दिखा के हमारा जमीर खरीदने की कोशिश की है कि हम इनके साथ 5 किलो चावल में चलेंगे, हम उन जैसे लोगों में से नहीं है। हम इससे पहले किसान मारा गया, छात्र मारा गया, नौजवान मारा गया, अब जो है पत्रकार बचा था। आप पूरी बात सुनिए, तो आप पत्रकार बचा था अमृतकाल में, अब पत्रकार भी पीटा गया। इतिहास में पहली बार विधानसभा पे पत्रकार पीटे गए हैं, ये इतिहास में दर्ज होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि पत्रकार पीटे जाएंगे, उसकी जांच होगी, और पार्टी और हम पत्रकारों के साथ हैं। अब पत्रकारों को यह तय करना होगा कि उनको मुआवजा चाहिए कि न्याय चाहिए। अगर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, बताइए